बताइए। सारे भाइयों राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। और भाई याना श्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे के बात चल जरा। इस कोरोना तक कद पेंडा छुटेगा। लेकिन उसे दौरान हरियाणा में बाल जटान गांव की एक और खबर सुर्खियां आई। वह खबर थी 10.5 करोड़ का कोरोना राहत कोष में अपनी गांव की तिजोरी खोल दी और भर दिया हरियाणा मतलब कोरोना राहत कोष 10.5 करोड़ सुर्खियां में आ गया था गांव, क्योंकि रिफाइनरी पाछे दिखने लग रही है या रिफाइनरी लग रही है इस गांव की जगह में है। नुआ बात होगी जी। हाँ तो इस गांव वाले नु कम हम तो विकास ने टोंदे फिरा हाँ विकास नहीं टोया पै रहा विकास ने टोंदे फिरे हैं और गांव वाले नु कह हैं बोले जोड़ से डांगर नू ने देखियो ये मैस खड़ी है और मैस जोड़ पर पानी पैन आग रहे भाई आर यू जोड़ है हैं जोड़ मैं पानी का टोपा नहीं है। मैं सरपंच साहब से बात करूंगा फोन पे भी लाइव और वो काम हो गया बोला आग दौड़ पाछा छोड़। पहले तो गांव वाले मेरे गल्ला इस टाइम है सारे के सारे मार दर्शकों ने राम राम कर दू और लामणी का टाइम हूँ भी तो डाठे मारिया कर दे था मुँह क्यों खोल रहे मुँह डाठे मार लो लामणी का टाइम पर भी डाठे मार लिया कर दे ईव कोरोना की उस तक कर लिए। हाँ बारी बारी तो बता दो भाई वोट सीट पा के गांव में कौन रोंडी चू रहा है कड़ा गड़बड़ हो रही है सरपंच ने भी मैं लेऊंगा गिल्ले लाइन पे और आ जा भाई तू आ जा भाई। हाँ भाई नाम भाई का संदीप शर्मा। संदीप भाई कौन गड़बड़ कर रहा है कौन रोंडी चू रहा है अगर राजनीति हो रही है बता क्या बात है। पहले तो ये बताओ आप अच्छा ये क्यों रहेगी सारा तो अप्लाई चल रहा है रिफाइनरी में 5% लोकलों ने रोजगार देना है। हाँ। कोई रोजगार नहीं है यह बात हुई थी 5% आपके उसमें है जो उनका स्टैंडर्ड है आईसीएल का उसने भी क्या ले लूंगा ताऊ आजा तू भी ताऊ तू आजा फिर भी तजुर्बे कार मानस है यू पढ़िया आया और यू कढ़िया होया ताऊ यू नु का 5% लेने के लिए किसने 5% भी नहीं मिल रहा मेरे तू 5 की बात कर रहा है। अच्छा और लेन देन रोजगार तो रहे ही नहीं मर जाओ जमीन भी खोस ली और बस रोजगार नहीं दिया के अंदर का। आजा भाई आजा मुंह कला ले नहीं पहचान हो जाएगी बाल जटान के अंदर जो रिफाइनरी में बच्चे लगाने के लिए दिया था उन्हें कोई ठेकेदार अगर ये कहता ना ठेकेदार के पास गांव का आदमी जाओ बाल जटान का हूं मैं नौकरी ला ले मैं बाल जटान वाले के लिए नौकरी भी नहीं है इसमें और कोई आदमी कंधा नहीं मौके पर साबित कर देंगे हम आप रिफाइनरी के गेट पर जाओ या किसी ठेकेदार से बात कर लो एक भी आदमी बाल जटान के नक्के ना का तो नौकरी बड़ी खबर आ गई है बिग ब्रेकिंग न्यूज है भाई ने कहा है मिला है काम ने इसका इंडस्ट्रीज का इस फैक्ट्री का इस रिफाइनरी का धुआं पोल्यूशन मिला है और क्या मिला भाई उसकी वजह तो ना तो डांगर सारे डांगर खराब और सारे आदमी खराब और दिमाग खराब और दिमाग तो है खराब। दूसरा गांव में दूसरे गांव में आप देखोगे ये रोजगार दे रहे हैं कोई सामान दे रहे हैं गरीबा ने बांट रहे हैं गरीबा ने साइकिल बांट रहे हैं मेरे गाँव में कुछ भी नहीं क्यों। अच्छा एक बात देखो बिना रोए तो माँ भी दूध कौन पहन दी थम सारे बटले हो गए इन बूढ़े लेके जाओ सरपंच तो जाओगे करा लास्ट टाइम हम लोग रिफाइनरी सरपंच को बहुत कुछ देती है सरपंच फिर पैसे का नजायज फायदा कर रहे हैं। रिफाइनरी का इस जोड़ में लास्ट टाइम कद पानी था लास्ट टाइम में भी 15 ये गांव वाले अपने पैसे से साफ किया है अपने पैसे इसका पानी गंदा हो गया था ये गांव वाले ने अपने पैसे लगा के खुद साफ किया एक समुंदर है जो नुकरा गंद है और बीमारी का घर है वो भी आपने दिखाऊंगे गांव में गांव की पंचायत में 130 करोड़ रुपया था मैं बोलूँ 30 करोड़ भी गांव में नहीं लगा है 1% रोजगार नहीं मिला है कोई पीजीआई नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं गांव में कोई स्कूल नहीं स्कूल की बिल्डिंग देखोगे आप सिर्फ 8वीं तक स्कूल गांव की बच्चियां बाहर जाती हैं बिल्डिंग एक नंबर की। हाँ, बिल्डिंग एक नंबर। या बात अलग है भाई बालक बूढ़े उसमें
आठवीं तक गांव की बच्चियां दूसरे गांव में जाती है पढ़ने के लिए। अच्छा, गरीब गरीब के लिए कोई सहारा नहीं है गांव में, नाले हैं, गंदगी है, कोई उनके बच्चे खातिर कोई सवारी का साधन हो, सवारी का साधन। तेरी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है, तू चुप खड़े पता दिखे बात कह रहा है और कुछ नहीं। मतलब मेरा मैं फुट मानस वही बुढ़ जाएगा, कोई समाधान होगा दाम बैंक में बजाय कौन पिलसन। ठीक बात, तेल लीन तेल की मुसद्दी न खड़ की ताल ना अपनी पेंशन की पड़गी, पेंशन बदल धक्के खवा रहे हैं। अच्छा, अगर आ कन दंदे अगर आ का के ओड़ दान ओड़ दान दंदे। चलो सरपंच साहब का फोन मिला के दो भाई, सरपंच साहब का क्या नाम है? एक और बात कहूं छोटी, हर साल हमारी पंचायत की 10 करोड़ रुपए की, हर साल हमारी गांव की पंचायत की 10 करोड़ की आमदनी है। अच्छा, गांव में ना 10 रुपए भी लगा रखे हैं। हर साल की कितनी है? 10 करोड़ की। रुतुरो 10 करोड़ की एक साल की। ये तो ब्याज ब्याज है, पैसा का बाकी चीज तो रहेगी अलग, बोल तो रहेगा अलग, पंचायती जमीन का पैसा वो रहेगा अलग। भाई ये ब्लॉक ब्लॉक तो लग रहे हैं, सुत रहे हैं, दिखाइए नीचे। 15 साल पहले गए हैं, जो 3 प्लान पहले सरपंच आया था वो लगवा के गया था, सिर्फ तीन ना तो सिर्फ इकट्ठे करे, लास्ट वाले जो बच गए। कट जाओ भाई, पैसा कट जावा, पीसा जावे वो तो उन्हें भी बेरा है। ईब का तो रात को, ईब का तो कोरोना रात को मंगा। ना ना ना, हमारे सरपंच का बीपीएल कार्ड है। अच्छा, हमारे सरपंच का बीपीएल कार्ड है, राशन लेना हुआ गांव में। हाँ, राशन लेना दे। ठीक है, पीसे चाहिए जब आवा गांव में। ठीक है, रवे पानी पत। क्या नाम सरपंच का? सरिता देवी है उनकी। सरपंच प्रतिनिधि कौन है? सरिता देवी है। नहीं, उनके जो हस्बैंड है रणबीर सिंह। रणबीर, मेरे तो रणबीर का नंबर मिला के दो, लो एक बार सरपंच, क्योंकि भाई सरपंच नहीं तो नाम नाम क्यों संभाला था सरपंच। आ जा के, अरे है तो फिर घर का सही नाम बता दो। जेठ लग गए, सोनू नहीं है उसका नाम, वो फिर भी कोई संभालता तो होगा। रणबीर संभाल रहे, बात तो संभालने वाले की बात करेंगे हम। हेलो, हेलो, हाँ जी रणबीर जी, राम राम कर दो जी हमारे दर्शक ने। मैं अभी बाल जटान गाँव लाइव जुड़ रहा हूँ अपने दर्शक के लिए, और इस टाइम लाइव जोड़ रखे मैंने आपको, आपको हमारा चैनल पर लाइव जोड़ रखे मैंने। हेलो, हाँ रणबीर जी। हेलो, हाँ जी हमारे दर्शक ने राम राम कर दो। हेलो, हेलो, हाँ जी रणबीर जी। हेलो, 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 एक मिनट एक मिनट रुक जाओ भाई। हेलो, 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 ना ना आ गया, आ गया, हेलो, हेलो, लग गया, बात है, मतलब भी नहीं, एक बार रुको, तू मिला दे भाई, दो पता है, दो पता है, आज भी फोन पिछड़ दे ठावे नहीं, मन ऐसा लगा फोन ठान देने को, हेलो कौन पहचान कौन। आजा आजा भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ तुम भी रख लो भाई, लामड़ी लुमड़ी वाला से आप बना लो नौकर के, और गांव में कोरोना पेशेंट तो नहीं कोई? ठीक है, हाँ रणबीर जी, राम राम, जी। हाँ जी हमारे दर्शकों के लिए आप लाइव जुड़ रहे हो, राम राम कर दो हमारे दर्शकों तभी। राम राम जी, मैंने कहूँ था जी गांव में ऊँ तो रुका खुड़का दुड़का खूब दूर दूर तक जा रहा है भाई, कोरोना राहत को उसमें 10.5 करोड़ का सहयोग करा गांव की पंचायत ने, बाल जटान ने, तो गांव में तो रोजगार की जी बात हुई थी, 5% बालकन रोजगार मिलेगा और गांव में डेवलपमेंट होगी, आगे दौड़ पाछे छोड़ वाला काम हो रहा है, गांव ने भी संभाल लियो, संभाल लो, आपने भी कोई और संभाल रहा है, संभाल रहे संभाल रहे हो तो सूत्र लाल संभालो रणबीर जी, गांव का मामला और सारा गांव नू गए बोले ऊ तो मारा छाती चोड़ी हो रही, गांव ने बड़ा सहयोग कर दिया, पूरा पूरा भारत में रुका पड़िया, 10.5 करोड़ जब दिए, लेकिन गांव में जब काम की बात आवे है, डेवलपमेंट की बात आवे है, उसमें गांव पाछे रह जाए, गांव का जोड़ सूखा पड़ा है, और जो डेवलपमेंट की बात है, रोजगार की बात है, जोड़ पानी निकलवाने लग रहे जी, पानी खाली, चलो यू तो पानी या तो इसकी सफाई हुई थी, दूसरा जोड़ हो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो रहा हो, जमा भूडा गंदा सेड़ांत वाला पानी है, उसमें कई डाल की माटी हो रही है, रे रे माटी ब्रैन माटी बदीन माटी माटी पलीत, सुनो तो जी
मेरी आपसे एक निवेदन है जी, तुम्हारे शीश आपकी भाई बंधु की रिक्वेस्ट है, इस गांव का रुका बहुत तगड़ा पड़ रहा है, सारा गांव की छाती चौड़ी हो रही है, सारे नुका बहुत बढ़िया काम करे हमारी पंचायत ने, लेकिन आए साल जी 10 करोड़ का टर्नओवर है तो पंचायत ने गांव में दिखानी चाहिए रौनक, गांव में तो नुसार वाला काम दिखना चाहिए, गांव तो चमक जाना चाहिए। हाँ शुरू में बने थे जी, हाँ अच्छी समाज से है, बारहवीं की जाति से, अब बने थे तो बीच में एक दो चार दबंग बंदे हैं, उन्हें हम बीच में सस्पेंड करवा दिए थे। अच्छा, तो हम एक साल दो तीन महीने रहे, उसके बाद हम सस्पेंड हो गए थे। अच्छा, 2018 में फिर, चलो या तो लंबी सुनो रणबीर जी, या तो लंबी कहानी हो जाएगी, शॉर्ट में सिर्फ इतना देखो, आप गांव की पंचायत पर फंड भी है, पैसा है, नीत की जरूरत है, नीत और बना लो, इतना जी पैसा रहा गांव के बाल का रोजगार दुआ, रिफाइनरी के अंदर अर्जियों जाके उनको 5% रोजगार देने की बात हुई थी, रोजगार दो, और इसके अगले अगले नू गांव के अंदर जुमा मतलब सोने के मंडेरे हो जाने जी, इतना पैसा रहा जी गांव की पंचायत पे है, गांव के लोगों का खतर करो, आप सारा गांव के मुखिया हो, ईब आप खतर कोई जात बिरादरी नहीं है ना पार्टी है, सारा गांव के मुखिया हो आप। बात तो सुनो जी, हाँ हम इव काम शुरू है हमारा, चालू होया है। अच्छा, हाँ उसके बाद नेटवर्क ठीक है, काम बंद हो रहा था। अच्छा, चालू करवा, चलो भगवान की दया है किसो, ऐसा सुनो मैं उस दिन फिर आऊंगा जब गांव में कुछ गणा पटा काम हो जाएगा, इब तो कोरोना रात कोस दिया इस बदल आया हूँ, और मन ने कह भी रहा था गांव वाले भरे बैठे हैं, गांव वाले नु कह बोला कोरोना रात कोस तो दे दिया ठीक रहा, लेकिन हमने गांव ने भी संभाल लो, आगे तोड़ पाछा छोड़ क्यों कर रहे हो, करेंगे साहब करेंगे, कर दो कर दो, और जिस दिन करोगे कि मैं उस दिन सब तक आगे करमू खड़ा पाओगा नु बताने खातर, भाई छाती ठोक के भाई गांव का सरपंच प्रतिनिधि था, मेरी बात हुई तो उनने बात सुनी और गांव के अंदर चार चांद लग गए, रुका पड़ना चाहिए नी, इसकी तो जगमग दूर तक दिखनी चाहिए, 5 किलोमीटर दूर तक तो गांव का चौंधा लगना चाहिए, आम है गांव का चौंधा है, लाइट लाग गांव में है, एक तो घनिया बड़ी लाइट ला दो गांव में, दूर दूर वाले गांव में भी दिखे भाई बाल जटान गांव की लाइट से है, जो कि टंकी खड़ी नहीं रिफाइनरी की, इतनी बड़ी लाइट काम ला दो ऊपर लगानी, ठीक है साहब कर दो, कि मैं कर दो पुन का काम, मौका पड़ा है, हाँ इतिहास के पन्ने में लिखा जाऊंगा आपका नाम, बहुत बढ़िया काम कर रहा था भाई, एक आया था फलाना तगड़ा सरपंच, जाति पार्टी वाले कंधे रहेंगे भुखते रहेंगे भोकन वाले, तो उनका किमें नहीं काम, आप अपना काम करो, ठीक क्या खातर चलो, ठीक कौन खातर ना चलो, ठीक क्या पे चलो, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने मेरे को इतनी आन झेल लिया, धन्यवाद, चलो जी भाई बात नू है, एक मिनट नून का जोड़ कर दिखा दे भाई, जोड़ बदल तो बात यह है जो इवन ने बताई है बात, अच्छा दूसरा वो गंदा जोड़ है जो, हाँ बीमारी ओ तो मैंने कह दिया सत पैतला जोड़ है, हाँ उसकी ब्लेड कितनी दूर है, कितनी दूर है वॉकिंग डिस्टेंस, चलो मैं गाड़ी में चल पड़ेंगे, चलो 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 भाई चलो चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो भाई चलो, अरे मैंने नू अगले उड़ा नेटवर्क चला था भाई, एक तो सुरेंद्र बैक गियर ला ले तू, बैक गियर ला, अरे सुनो भाई सुनो, हाँ नाले भी दिखा देंगे, सुनो 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 सुनो, सारे लाइव दिखन लाए रहो क्यों, तो हम मेरे अरे अरे दूर दूर हो जाओ, गठबंधन तोड़ने वाली वायरस है यू, ये नाले भाई देखो भाई, चाहे तो काला पानी की सजा के बारे में सुना, जब काला पानी हड़ा देख रहे हो, काला पानी दिखाइयो दिखाओ, एक बार नीचे करो नीचे करो, नीचे देखो ये है भाई, ये है बाल जटान गांव जिसने 10.5 करोड़ रुपए इतने कह रहे हैं जी, देखो कोरोना रात को समझिए, हाँ इतने कह रहे हैं ये, अच्छा पशु गिर रहे हैं, अच्छा चलो इसमें देखो, ये देखियो ये नाला, ये हाँ नाला का फुल स्टॉप लग गया, हट दो तीन बार पैसे ले चुके हैं, ये देख लो भाई ग्रामीण अंचल की अपनी बहुत बड़ी रिसर्च है, बिटोड़े गोसे थेपड़िया का लोग कर रही है, बहुत बड़ी रिसर्च है, दूसरे देशों में तो इस पर रिसर्च चल रही है भाई, कुकर बनाए थे, और अपनी गांव वाली माँ बहन है नी, इन करते हैं के दिन में खड़े बिटोड़न तो है, ये अगली तस्वीर तो हमने देखेगी विश्व प्रसिद्ध गांव मतलब बाल जटान का
सबसे बीमारी का घर है, सबसे ना ना कोई नहीं, याद आई भाई है। अरे भाई बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये देखो भाई कितनी तरफ है। ओहो क्या बात है, नेटवर्क तो ठीक होगा। चलो भाई उसकी वीडियो नेटवर्क ने साथ दिया नहीं। अच्छा सुनो एक चीज और है, आठ अविद्या दुराग्रह स्वार्थ तो ऊपर उठ के कह रहे हूँ मैं, मारी को पंचायत को व्यक्तिगत रूप तक कुछ हो नहीं है, ग्राम पंचायत है, सिर्फ एक निवेदन है भाई इसे से मौके ना दो ना, गांव की पंचायत पे पीछे ना हो, अभाव हो, भूखे नंगे हो, फिर तो चलो अलग बात है। आ गया भाई यू आ गया, हाँ कोई बात नहीं, सुनो सुनो यू देखो भाई है अरनू का आ रहा है गांव के, जब गांव में कोई छोरे छारे देखना आ रहे नहीं तो फिर वह फिर नहीं देख रहे और फिर नहीं भाई यू जोड़ दिख रहा है और जोड़ का हिसाब किताब देखते हैं उन्होंने लग रहे हैं गंदगी पड़ी नहीं इस गांव के, बसूरा गांव कहते हैं। अच्छा 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 सुनो भाई बात यहाँ नहीं है, सुनो एक मिनट आर तक तो ठीक हो, इब सुनो ये जो हालात है नी इन्हें देख के क्या कहूँ हैं, बोले कुछ ईसा कर कमाल अख्तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल अख्तेरा हो जाऊं, इन्हें देख के किसी और का हो जाए कोई तो यह बात है। हाँ कर दो शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो भाई। हाँ तो यह हालात है और उस गांव के हालात है जिसने 10.5 करोड़ रुपये कोरोना राहत कोष में दिया, हमने कोई दिक्कत नहीं, गाँव वाले ने कोई दिक्कत नहीं, गाँव वाले ने कोई बहुत अच्छी बात करी, आगे दौड़ पाछे छोड़ क्यों, और जो 10.5 करोड़ का जो अगर भाई गांव वाले कह रहे हैं बोला 10 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर है, उसकी दीवार भी कौन लिखा जोड़ गिरा, जोड़ की सफाई तक नहीं हुआ है। हैं हाँ हाँ और देखो शामी का नजारा, सूरज चौंधा मारा है दिखावा है, देख लो सूरज मारने लग रहा चौंधा इस पे दिखाने लग रहा लाइट मार के है, सूर्य देवता कह रहा है बोला देखो यू है बाल चट्टान का विश्व प्रसिद्ध गंदा जोड़ है। अच्छा अच्छा वो क्या ग्रह है, क्या ग्रह हो, किस्ती लेगा होगा के, अच्छा अच्छा तो फिलहाल चलो फिलहाल मेरी बात सुनो भाई, ऐसा है तो आपने भी कहूंगा गांव का माहौल है, गांव में मने बेरा छोटी छोटी बातों में राजनीति हो जाए ना तो राजनीति करनी, सिर्फ तो हमने एक बात पर मुद्दा पर रखो भाई, गांव के 5% रिफाइनरी में होने चाहिए थे, वहाँ जाने चाहिए पहली बात तो, उसके लिए सरपंच का काम है भाई आगे छाते डागा अड़े हो भाई क्यों नहीं लेते हम। दूसरी बात है गांव की जो ग्राम पंचायत है उस पर फंड है पीसा है, एक तो वह फंड एक वह पाखंड, तो फंड तो अच्छी बात है उसका सदुपयोग हो जाए, अरे उसका प्रयोग नहीं हुआ है तो फिर वो फंड का पाखंड वाला फंड बन जाए, फिर वो फिर ड्रामा हो जाए आडम्बर हो जाए, तो उस फंड ने आडम्बर ना बनने दो सरपंच साहब, यह बात है हमारी। और मैडम के नाम है सरपंच जो है सरिता जी, सरिता देवी जी है, सरिता नाम बड़ा अच्छा है, नाम का जो है आप सार्थक करोगे नाम ने तो सरिता का सार्थक अर्थ देखोगे, सरिता सबको एक साथ एक समान रूप से मतलब विकास और डेवलपमेंट और सबके लिए समान रूप से काम करने वाले, तो वह चीज होनी चाहिए। दूसरी बात व्यक्तिगत रूप तक हमारे ग्राम पंचायत तक कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ ठीक क्या की जंग है, और इस पंचायत का रुका खुड़का जहाँ तक पड़ा था 10.5 करोड़ रुपये कोरोना रात को उसमें दिए थे, मैं जहाँ तक खुश होकर आया था लेकिन गांव वाले भरे बैठे पाई क्यूकर भरे बैठे पाए, जो करीब नाले भर रहे हैं नी सफाई नहीं हो रही, नुए लोग भी भरे बैठे हैं। हाँ भाई कुछ कहना है, आ जाओ और सीट पाओ। हाँ राम राम कर दे मेरे दर्शन पहले लो। पहले तो भाई करमो भाई साहब है हमारे गांव वालों की समस्याओं को बोलूंगा भाई, कल ही ना पहले तो हमारा देसी पत्रकार भाई करमो हमारे गांव की जो फैटल डिसीज है बीमारियां हैं समस्याएं हैं उनको संसार क्रांति की आवाज बनाकर जो भी प्रशासन के राजनीति के आगे और इस समाज के आगे टेकेंगे उनके लिए हम बहुत ज्यादा इनके आभारी रहेंगे, अगर ये इस आवाज को बुलंद आवाज बनाकर इस समाज में हमारी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। एक चीज भाई मैं दर्शकों को कह दूं गिल्ले गिल्ले शेयर कर दो, ओड़ा हाथ का नहीं शेयर का बटन है, 16 हाथ का नहीं शेयर ग्रुप है शेयर करो ताकि इस भाई वाली बात जो कहे है बोला हम आभारी रहेंगे, यो आभारी रहने वाला काम हो जाएगा। हम देसी पत्रकार भाई करमू तो यही गुहार लगाना चाहते हैं कि गांव की समस्याएं ज्यादा हैं, विकल्प कुछ नहीं है। पेज खोल के दिए मैंने सुरेंद्र, जैसा इस हरियाणा में गांव बाल जटान की पंचायत का नाम है, नाम के सिर्फ कागजों में है, कोई
पेपर ग्राउंड पे नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अभी मैं बात करूंगा, समस्या होगी तो आपके सामने इस गांव का कितना विकास हुआ है ये आप जगमगाता उदाहरण आप कर्मो भाई के पीछे देख रहे होंगे। हाँ भाई साहब, क्योंकि गांव में जितने भी काम हुए हैं स्कैम लेवल पे हुए हैं, यानी घोटाले लेवल पे हुए हैं, स्कीम लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी, ये भी जो इस तरह के रिलीफ फंड में दिए गए हैं, रिलीफ फंड एक तरह का स्कैम ही मानेंगे हम लोग। स्कीम नहीं है, स्कैम है मेरी नजर से। पंचायत राज नहीं है, पाप राज बन के रह गया है। पंचायत राज नहीं है, पाप राज है। ना हमारे भाइयों के खेलों के लिए कोई विकल्प है, ना कोई स्वास्थ्य के लिए है। सबसे ज्यादा इस गांव से के पशु बीमार हो रहे हैं। किसी तरह का कोई माध्यम नहीं है जिससे कि इस गांव के लड़के भविष्य बन के कहीं भी उज्जवल कर सके, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। सेंटर के फंड आ रहे हैं उनसे कोई पैसा नहीं मिल रहा, स्टेट के फंड आ रहे हैं, गांव के खुद के पैसे हैं, रिफाइनरी से आ रहे हैं, लेकिन पैसा ये नहीं पता जा कहां पे रहा है। और लोग ऊपर से नीचे तक की एक चैन सिस्टम बिका हुआ है, इकाई ए टू जेड सब बिल्कुल ही बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। गांव की इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई थी, पहले किसी राज्य में। मैं तो देसी पत्रकार कर्मो भाई तो ये कहूंगा कि हमारा हौसला बंद करे, कम से कम हमारे जो बड़े हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर उन तक हमारी आवाज बनने की कोशिश करें। मैं पूरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। पहुंच गई जी, 10.5 करोड़ का रुका दूर तक जाऊंगा तो इस बात का भी रुका जाऊंगा। और दूसरी बात, पंचायत तक आऊंगे, जिस दिन पंचायत कुछ करवाओगी तो उस दिन सब तो पहले आके छाते डाय खड़े होकर मैं कहूंगा भाई पंचायत तम हमने बात कही थी, नुकारा जब जागो तभी सवेरा पंचायत ने हमारी बात सुनी, इम्प्लीमेंटेशन कराया। और भाई कई बात कहेगा, बात में बोला पंचायत राज नहीं पाप राज, और समिति नहीं सकैम, सकीम नहीं सकैम, तो घनी गारी गारी बात है भाई। ये बात ऊँ कौन लिख दी जबकि मैं दिक्कत हुआ है वाह हुआ। और दूसरी तरह एक बात कहूँगा गाँव वाले थे, राजनीति तो ऊपर उठ जाओ भाई सारे, राजनीति और जातिवाद यू बहुत खतरनाक खेल है, इस चक्कर में ना पड़ियो। अपना काम जब हमने को गांव की समस्या है जैनवन वह बताइयो, कोई नू नहीं है। हाँ भाई, हमारे गांव में कोई जातिवाद नहीं है, बच करियो। और हमारे गांव में जो भाईचारा है आसपास किसी गांव में इतना अच्छा भाईचारा नहीं है। और सबसे पहले जो भी भाई ने बात बोली मैं उसी बात पे एक बात बोलूंगा, सदस्य को नहीं गया कोई सब भरा रहे हैं और लाइव में तो भी चले गए ना, मैं सिस्टम क्या है जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो सरपंच ने काम करे उनके पैसे अभी क्लेम हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो रिफाइनरी ने कुछ पैसा दिया सोलर का प्लांट का, वो पैसा अभी इसमें पंचायत से भी जा रहा है। चलो आ जाओ, आज क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, आ जाड़ा आ जाड़ा, बुलाओ 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 बुलाओ, नहीं आंदा भाई बात होगी नहीं मेरे। हाँ भाई आ जा भाई, करूँ भाई सब पहले तेरा नमस्कार। गाँव में पहुंचा है लेकिन ठीक है, गांव ने 10.5 करोड़ रुपए दिए हैं, बार नाम हुआ अच्छा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ समस्याओं की तरफ इशारा करते हुए कहता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जोड़ है जिसको शोभनवाला बोलते हैं। शोभनवाला है नहीं, कुछ शोभा नहीं इसमें, पिछवा हुआ मैं सारे गांव में इसकी बदबू जावे है, बीमारी जावे है, डॉक्टरों की रिपोर्ट ले लो, पशु बीमार हो रहे हैं सारे। इसका करो सबसे पहले कोई व्यायामशाला योगशाला कुछ बनाए इसमें, सोलर प्लांट जो भी है। हाँ माता भी आई हुई है, कुछ माताएं हैं गांव की। हाँ जी, साल फोटो खींच कर लेता, कुछ फोटो खींचे फोटो तो सुधरी आवे, काम कर दे नहीं, कुछ कर दे नहीं। नानू तो हमारे बड़े रही है। पीने का पानी का क्या सिस्टम काम है? बहुत बेकार। पीने का पानी बहुत बेकार, गंदा पानी, काला पीलिया ज्यादा है, काला पीलिया पानी काला हो रहा भाई, पानी काला हो रहा, काला पीलिया तो होगा। अगर गिलास में पानी भर के दोगे तड़की ना पानी पिला पाऊगा। अच्छा, हाँ गिलास भी पिला पाऊगा हमारा, इसमें भी रिसर्च करवा दो भाई फिर। क्यों हो यू पीला? हाँ जी, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। 10 साल पहले तो राखी प्लांट है यहाँ पर, पूरी राखी उठ के गांव में हुआ है भाई साहब। दो पिछले दो प्लांट से पहले 10 साल मान के चलो, 10 साल पहले तो हुए थे उस गांव में अच्छे काम में। उस टाइम ये गांव बहुत अच्छा हो चुका था, उसके बाद तो ये बिल्कुल डैमेज हो गया। समझदार जो देखो, समझदार के लिए सारा काफी, जिन्हें समझनी बात समझ लो। गड़बड़ के है, टर्नओवर अच्छा है, पंचायत फंड बहुत है, लेकिन उस पंचायत फंड का सदुपयोग नहीं हो पा रहा। सीधी बात यह है, यदि सदुपयोग होता चाहे सदुपयोग होता तो जोड़ की चार दीवारी बनी पाती, आड़े को एकादे को मूर्ति मारती ही बीच में खड़ी करके सूत्री है, क्या बात है, नून लोटा फुहारे चल दे है। नहीं सोचो एक बात, बीच में एक बढ़िया को झरना ला दें दे है, 10 करोड़ रुपये हर साल के रहे झरना लाकर ऊपर तो लोटा हमें पानी आंदा, और गांव वाले रुका मार दे हमारा गांव का जोड़ के बीच में ऐसा काम है। चलो हो सके है, लेकिन नीत और नियत की जरूरत है, नीत और नियत।
चपेट भी छत भी नहीं चपेट की पीछे भी ले लिया उनके तो आसमान दिखे उन्होंने फाइनल बिल जा लिया सरिया का छत भी नहीं आई है कक्षा में तो बन रही होंगी भाई साहब बताऊं इतनी बात को है दी था मैं मना मरवा के सुना सुनो मजाक वाली अलग बात है ग्राम पंचायत बाल जटान ते मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है चाहे तो कागचा में भी ना बनाऊ कम तक मीन कर दू तो सीढ़ पड़ जाएगी कागचा में भी कौन बन रहा कागचा में जो कुछ बन रहा है तो धरातल पर इम्प्लीमेंट करो और इतनी बड़ी फंड वाली पंचायत शायद हरियाणा में बहुत बड़ा फंड वाली पंचायत है मैं इसका नाम शामिल होगा सबसे ज्यादा फंड वाली पंचायत है जिसमें सबसे ज्यादा कोष है सबसे ज्यादा हाँ टॉप 10 पंचायत में है ये हरियाणा की रिफाइनरी जिसी उसमें और उनमें भी रोजगार नहीं मिले तो भाई यह शिकायत आई है गाँव वाले की भाई इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं बहुत अच्छा काम कराया कोरोना रात को उसमें पंचायत की पीठ थपथपाई थी मुख्यमंत्री जी ने लेकिन मुख्यमंत्री जी पीठ थपथपाते हुए नू भी कह दें कान में रहे गांव का कुछ ख्याल भी रख लिया करो ख्याल नहीं भाई साहब यहाँ इस राणा के कृष्णलाल पुवार परिवहन मंत्री रह चुके हैं रह चुके हैं गांव में एक बस आवा चार पांच गांव में एक बस आवा सुबह कोई बस नहीं सुबह बालक बच्चे सभी बाहर खड़े होकर जाते हैं इतना बड़ा बजट में तो खुद की बस चला देता मैं बजट में दे रहा भाई नहीं है ये स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम चल रही है ये हमारी रिफाइनरी है जो पैसा गया है रिपेयर ऑफ मोटर ट्यूबल मोटर 6-6 लाख में मोटर रिपेयर हो हमारे गांव में और एक ट्यूबल लगवाया वो 90 लाख पाइपलाइन ये आप देखो मोटर रिपेयर हो रही है 6 लाख में अरे भाई एक और बड़ी खबर बन जाएगी रहने दो था मेरी एक बड़ी खबर नू बन जाएगी भाई करमू ने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ दी और काम बटला कर लिया रहने दो मन मरवाओ के तुम्हें यार सुनो डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो सोशल डिस्टेंसिंग भाई वह दूरी दिलों की दूरी नहीं बनानी कहते दिलों की दूरी बना के बैठ जाऊं हैं दिल तो है हिंदुस्तानी ठीक है नी और भाई इस खास देसी पड़ताल में मेरे गले जुड़े और इस पड़ताल में तुम बताओ के लिकड़काया के लिकड़का के सच्चाई है कौन रोंडी चूरिया है और इसका समाधान के है मुख्यमंत्री जी तक उप मुख्यमंत्री जी तक वीडियो घुमा के गिगी बांध के शेयर करके पहुंचा दो ताकि समस्या का समाधान हो जाए हमारा मुख्य उद्देश्य कोई समस्या को पीटना नहीं है समस्या का समाधान होना चाहिए और बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बेबाकी के साथ अपनी पत्रकारिता धर्म निभाते रहेंगे निभाया है और निभाते रहेंगे और ग्राम पंचायत फिर कहूँ ग्राम पंचायत है कोई दुश्मनी नहीं लेकिन जब गांव वाले सवाल उठाओगे तो उनका जवाब भी देना पड़ेगा और समाधान भी करना पड़ेगा अरे इतने सारे कांड लग रहे हैं वो को बीमार हो गया बीमार हो गया को मर गया और वो डॉक्टर नु बोला मर गया और वो जीवा था और उठ के नु बोला मैं जीव हूं रहा बोला पढ़े रहो नहीं इतना बड़ा डॉक्टर के झूठ बोल रहे हैं तो ये सारे गांव वाले झूठ को नहीं बोल रहे हैं बात कहने तो कुछ तो बात है तो सरपंच साहब से हमारी अपील है मैडम सरिता देवी जी से अपील है ध्यान दो समझ लो बहुत जरूरी है और भाई आखिरी दृश्य है इस गांव के सुंदर सुंदर नजारे में छोड़ के जाऊंगा तो हम देख लो 10.5 करोड़ रुपये जो कोरोना रात को उसमें देने वाली ग्राम पंचायत है उसका यू तालाब जोड़ है ठीक है भाई और यू सूर्यास्त का बेहतरीन नजारा देख लो और भाई मैं एक बार और कहूंगा जो भी वीडियो बाद में भी देखने शेयर कर दियो भाई।